वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये सबको मेरा पहला कर प्रणाम। होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग आए हैं अपने गांव के मंदिर, देवी मंदिर में आए हैं। देखो पूरा नाम बता रहे हो, वो तो यहाँ पर वहीं मिल जाएगा। अब तो बाहर ही आ रहे थे, बाहर ही प्रतू यहाँ आओ, पहले चेक करोगे इधर। डुगी धराओ है।
हमारा मंदिर है जो मैंने आप लोगों को दिखाया आज। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया है, मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं हे अंश के होने के बाद पहली बार यहाँ आ रही हूँ। पहले भी मैं आना चाह रही थी लेकिन कुछ रीज़न के वजह से नहीं आ पाई, बट आज मैं आई हे अंश को लेके। वो भी बहुत इंजॉय कर रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। पहले तो ये सारा ना मिट्टी का था, देखो ये अब तो सीमेंटेड कर दिया है, बट सारा मिट्टी का था। यहाँ पे देखो पेड़ के जड़ में उन्होंने मिट्टी से लिपाई करी हुई है ये मंदिर। पहले तो ये वाला मंदिर, ये और तीन चार चीज़ें ऐसे ही थी, अब तो बहुत अच्छा इन्होंने बना दिया है। ये देखो यहाँ पे इसे खला बोलते हैं। ये सीमेंटेड नहीं है, इसमें मिट्टी से लिपाई करी हुई है और गोबर से मिट्टी से लिपाई करी हुई है। ये नीचे आई थिंक इन्होंने स्टोर रूम बनाया होगा मेरे हिसाब से, मैं तो बहुत टाइम से नहीं आई हूँ। और यहाँ पे शायद ये लोग खाने वाने का कुछ करते होंगे। और ये देखो ये गेट है ये उधर वाले ये जो गांव दिख रहा है, इधर इधर दूर दूर से लोग आते हैं। तो उधर इधर जो गांव दिख रहा है ना, वो यहाँ से ही लगभग ज़्यादा लोग आते हैं। ये देखिए जय माता दी, ये बनाया है श्री मदन सिंह डसीला ने अपनी पत्नी स्व श्रीमती पार्वती देवी की स्मृति में भूमि दान करी है ये। और ये देखो सबकी सोयाबीन भी हो रही है। ये पेड़ है, ये नन्नू है। हाय गाइस बोलो। यस हाय गाइस बोल रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा काम ये करा हुआ है कि पानी का स्रोत यहाँ पे रखा हुआ है। देखो ना, मतलब कोई भी प्यासा आता है, ये हैंडपम्प है, हैंडपम्प से पानी निकालते हैं। इसके नीचे टंकी होगी। और हाय गाइस कैसे हो, डुग्गू बोल रहा है हाय गाइस कैसे हो। तो इन्होंने क्या करा है ना कि जैसे लोग आते हैं ऐसे मंदिरों में, कोई थक गया या कुछ ऐसे बैठने आ गया पेड़ की छाँव में, बहुत धूप लगी हुई है तो लोग आते रहते हैं, तो पानी की ज़रूरत उन्हें पड़ जाती है। जैसे अभी मैंने शिवलिंग में पानी चढ़ाया, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए, पीने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें रहती है कि ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो उसके लिए इन्होंने पानी का टंकी रखी हुई है। बहुत अच्छा काम ही करा हुआ है इन्होंने। और तो मुझे तो आके बहुत अच्छा लगा, डुग्गू को भी, हेयांश को भी आके बहुत अच्छा लगा। का पेड़ भी लगाया हुआ है, लाइटिंग भी करी हुई है, बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये माता का मंदिर है, यहाँ पे यज्ञ होता है। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है। आज का मौसम देखो तो थोड़ा बारिश वाला हो रहा है, बढ़ रही है, तो बारिश आ जाए तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा है। कि अभी अभी पहाड़ से आए हुए तो बहुत ही गर्मी यहाँ पे लग रही है हमको। आज शायद बारिश आ जाए तो अच्छा लगे, आज सुबह से तो ठंडा ही हो रहा है मौसम। तो जैसा आप लोग देख रहे हो, ये बहुत सुंदर बना दिया है यहाँ इन्होंने, बहुत ज़्यादा सुंदर। पहले ये इतना नहीं हुआ कर रहा था। माता रानी का दरबार है तो हमेशा सुंदर ही रहेगा, लेकिन अभी इन्होंने कर दिया, देखो पानी की फैसिलिटी कर दी है, गेट बना दिए हैं अच्छा, और क्लीन देखो कितना क्लीन बनाया है इन्होंने। पत्ते वत्ते ही झड़े हुए हैं नीचे। और यहाँ तो रोज़ भजन भी लगते हैं यहाँ पे, मॉर्निंग में, इवनिंग में। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। और ठीक, मैंने आप लोगों को माता रानी का दरबार दिखाया, मतलब मैंने अपना गांव का आपको मंदिर दिखाया। और माता रानी से आप लोगों को मिलाया। तो आज के व्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। तो तब तक के लिए, तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो कल मैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।